अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं दरक्षा शुएब और लाई हूं आज आपके लिए क्रिस्पी ब्रोस की रेसिपी। वीडियो को एंड तक फॉलो करिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम प्रोसीजर नोट कर सकें। रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, होप कि आपको पसंद आएगी। क्रिस्पी ब्रोस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने यहाँ लिया है लेग पीस, आप चेस्ट पीस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ लिया है मैंने 2 टेबलस्पून विनीगर, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1 लेमन। सबसे पहले चिकन में फॉक की मदद से इस तरह से कट लगा लेना है। सबसे पहले मैंने एक खुला बॉल लिया है, इसमें एक एक करके तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी और उसके बाद उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मैं यहाँ 1 किलो चिकन यूज़ कर रही हूँ। आप ज़्यादा या कम जितने भी आप चिकन यूज़ करें इस लिहाज से अपने मसालों को ऐड कर लीजिएगा। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस और उसके बाद 1 लेमन जूस और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ब्रोस बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप है तमाम चिकन को बैटर में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। जितना अच्छा मैरिनेट होता है इतनी ही अच्छा जायका आता है। तमाम पीसेस को अच्छी तरह से कवर करेंगे मसाले के साथ ताकि एक जैसा मसाला सब जगह लगे। जितना अच्छा चिकन मैरिनेट होगा इतना ही अच्छा इसका अंदर फ्लेवर आएगा और एक जैसा फ्लेवर होगा सब तरफ और सॉफ्ट होगी अंदर से चिकन। मैरिनेशन आप कम से कम 2 घंटे के लिए कर सकते हैं और अगर ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप ओवरनाइट के लिए करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। चिकन मैरिनेशन के बाद ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर, 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 एग। तमाम इन्ग्रीडियंट्स को एक बड़ी बॉल में मिलाकर अच्छी तरह से एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर की थिकनेस बढ़ाने के लिए इसमें मैं ठंडा पानी इस्तेमाल करूंगी, जो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आप इस्तेमाल करेंगे। ठंडा पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी, एक साथ सारा ऐड नहीं करना है वरना बहुत पतला हो सकता है। जितना आपको रिक्वायर्ड हो इसी लिहाज से आप करें और एक थिक सा बैटर तैयार कर लें। ये देखें एक ये थिक सा बैटर तैयार हो गया। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, इसमें कोई गुठली ना रहे। ये ब्रोस बनाने का सेकंड स्टेप था। अब इसकी फाइनल कोटिंग के लिए हम एक और स्टेप होगा हमारा। इसमें मैंने लिया है 1.5 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर, इसमें मैं ऐड करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया। इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी इसमें राइस फ्लावर एंड 1 टेबलस्पून यूज़ करूँगी इसमें चिकन पाउडर। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ब्रोस बनाने के लिए लास्ट स्टेप है चिकन के पीस में अच्छी तरह से, देखें मसाला मैरिनेट हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें डिप करूँगी लिक्विड वाले बैटर में, इसको अच्छी तरह से डिप करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद इसका जो उसका सेकेंड स्टेप होगा, इसकी कोटिंग करनी है ऊपर से, अच्छी तरह से चिकन को कोट करना है और ये रेडी है हमारा फ्राई के लिए ब्रोस। 1 बाय 1 तमाम चिकन को इसी तरह से कोटिंग करनी है, सबसे पहले लिक्विड बैटर में फिर पाउडर कोटिंग में।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको टेस्टी क्राफ्टी की इसी तरह टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ मिलती रहें। ये मैं आपको दिखाने के लिए दूसरा पीस भी इसी तरह से आपको कोट करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी इसी तरह से बना सकें। प्रॉपर कोडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ऊपर से ब्रोज अच्छी तरह से क्रिस्पी हो सके। वन बाय वन मैंने तमाम चिकन को इसी तरह से कोडिंग करके रख लिया है। इसके बाद मैं ऑयल गरम करूँगी मीडियम फ्लेम पर और इसको फ्राई करूँगी। मीडियम फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है ताकि चिकन अच्छी तरह अंदर से गल जाए और एक साइड को कुक होने के बाद आपको इसको सेकंड साइड से करना है। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है और ये रेडी है हमारी चिकन। मज़ेदार चिकन ब्रोस्ट बिल्कुल रेडी है। आप इसको केचप और फ्राइज के साथ सर्व कर सकते हैं। होप कि आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।